बिनैतर बसमिल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन न्यूज़ वन से रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात बरक़त रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर शब्बी अबूल आपकी खिदमत में हाजिर है आज पाकिस्तान और दुनिया भर में कई ममालिक में पहला रोज़ा है हमारा भी पहला रोज़ा है चांद देर से नज़र आया लोग रात को परेशान हो गए हमारे भी शहरी की नशरियात में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई लेकिन रब ताल के फैसले हैं यकीनन हमारे यकीन ए कराम जिनकी ये ज़िम्मेदारी है मरकजी रूत हलाल कमेटी की वो जो भी फैसला करेगी वो सही करेगी समझ के करेगी और शहादतों की बुनियाद पर करेगी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और न्यूज़ वन की इंतज़ामिया को और इनके मालिकान को बहुत मुबारक उनको ये शादत मिल रही है मुझे शादत मिल रही है आप पसंद करते हैं हर साल और रमज़ान ट्रांसमिशन का मेरा ये सत्रवा साल है सत्रह साल हो गए पता नहीं चला और टी वी वन और न्यूज़ वन पर मेरा दसवाँ साल है मुसलसल शायद ही कोई होस्ट हो जो दस साल तक किसी एक चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा हो तो ये भी सादत होती है मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए तो सबका शुक्रिया हमारे इंतज़ामिया का भी आप पसंद करते हैं आपका शुक्रिया हमेशा हिम्मत देते हैं और हौसला देते हैं आप सबका शुक्रिया अच्छा जी आज इंट्रो वैसे तो रमज़ान का बन सकता है और बाकी चैनल्स पे इस पर गुफ्तगू हो ही रही होगी कुछ हम हमेशा नए नए मौजुआत लेकर आते हैं तो आज हम मैं जिस मौजू पर गुफ्तु करना चाहता हूँ अपने इंट्रो में वो है सोशल मीडिया पे गुस्सा यानी एक तो होता है ना बीवी के सामने गुस्सा निकालना माँ बाप के सामने गुस्सा निकालना दोस्तों के सामने गुस्सा निकालना बात कुछ और है गुस्सा किसी और पे निकालना है लेकिन आजकल लोग अपना गुस्सा सोशल मीडिया पे निकालते हैं या सोशल मीडिया का गुस्सा बाहर निकालते हैं इतना जज्बाती या इतना इतने जज्बाती हम क्यों हो गए इतना जज्बातीपन हम में क्यों आ गया हमारी आदात में इतना गुस्सा क्यों आ रहा आ गया कि हम मोबाइल पर लोगों पर गुस्सा निकालते हैं और आप देखें कि हमें ये मालूम है कि हमारी जो बात निकल रही है वो एक फ़ायर की तरह वापस नहीं आ सकती चंद ऑप्शन ही हैं एडिट के या डिलीट के वरना जो बात निकल गई वो निकल गई फिर भी लोग इस पर गालियाँ भी दे रहे होते हैं इल्ज़ाम भी लगा रहे होते हैं अपने गु़स्से का इजहार भी कर रहे होते हैं यहाँ तक कि बाज़ात हम इतना आगे चले जाते हैं कि अपने मुल्क को भी बुरा भला कह देते हैं अपने दीन से मुतलक भी एतराज़ा शुरू कर देते हैं अपने ख़ानदान और अपने लोगों से अपने कारोबार से मुतक़ अपने शहर से मुतल भी हम ऐसी बातें लिख देते हैं गुस्से में जो हमें नहीं लिखनी चाहिए इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन चीज़ों को सीरियस नहीं लेना चाहिए हम उसे सीरियस ले, ले लेते और जिन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए हम उसे सीरियस नहीं लेते इसकी वजह शायद यह है कि तरजीहत बदल गईं अब आप देखें कि पहले जब मोबाइल होता था छोटा सा वो जिसमें कोई सोशल मीडिया नहीं होता था ना एंड्रॉयड था ना इंटरनेट कनेक्ट होता था तो इससे पहले तो खैर पी था तो उस वक्त हमारी तबियतों में ठहराव था हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी ये नेगेटिव बात तो थी यानी कि सोशल मीडिया के आने से पॉजिटिविटी तो आ गई लेकिन उस वक्त हमारी तबीयत में ठहराव रहता था क्योंकि हमें ये नहीं पता होता था कि इीजिएटली हमारा रिएक्शन फ़लाँ चीज़ पर किस कदर हो सकता है या हमारी किसी बात का रिएक्शन किस क़दर हो सकता है अच्छा फिर ये कि ये भी देखा गया है कि हमारे यहाँ जो है वो लोग सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट खुद ही कर देते हैं कि जो सामने वाले के लिए गुस्से का बायस बनती है यानी एक के तो हम ख़ुद ज़िम्मेदार हैं एक के तो हम ख़ुद ज़िम्मेदार हैं कि हमने सोशल मीडिया पर गुस्सा कर लिया किसी की पोस्ट पर किसी की बात पर कोई चैटिंग हो रही है कोई ग्रुप में हम गुफ्तु कर रहे हैं तो उस पर फिर बात आगे निकल गई खानदानों तक तो लड़ाई चली गई जातियात पर आ गए फिर उसमें वो भी कूद पड़ते हैं जो हमें जानते हैं फिर वो हमारे बीवी बच्चों पर आ जाते हैं माँ बाप पर आ जाते हैं फैमिलीज़ पर आ जाते हैं और फिर हम भी ना जानते हुए फिर उनके ऊपर जो है वो स्टार्ट ले, ले लेते हैं कि भाई तुम भी ऐसे तुम भी ऐसे फिर प्रोफाइल चेक करते हैं कि वो किस शहर का है क्या उसका ख़ानदान है उसके फ्रेंड्स कौन से हैं फिर हम उस पर गुस्सा निकालना शुरू करते हैं कहने का मतलब ये है कि हर अच्छी ईजाद को हर अच्छी टेक्नोलॉजी को हर अच्छी चीज़ को हम पॉजिटिविटी के साथ अच्छे तरीके से क्यों नहीं टैकल करते क्यों नहीं हम ठहराव के साथ उसके असरा को कबूल करते अच्छी डिस्कशंस हों अच्छे लोगों की डिस्कशंस हों अच्छे अच्छी इलम की बातें हों वो बात हो या उस पर हम बात करें जिसका हमें इल्म हो ना कि हम उस बात में या उस एरियाज में चले जाएं उस एरिया में चले जाएं कि जिस जो एरिया हमारा नहीं है अब ऐसा भी होता है कि बाज़ात जो है वो डॉक्टर्स की आपस में डिस्कशन हो रही होती तो उसमें मरीज़ बीच में कूद जाता है अब मरीज़ का क्या ताल्लुक है उसमें जब डॉक्टर्स आपस में अपनी एक्सपर्टीज़ बयान कर रहे हैं इसी तरह से दीनदार लोगों की या की गुफ्तु हो रही है तो एक बेल आदमी एक आम आदमी कूद जाता है इसी तरह से प्रोफेसर्स और लैक्चरार्स की गुफ्तु हो रही है तो एक तलब इलम इसमें कूद जाता है फिर जब सामने से रिएक्शन आता है तो हमें बुरा लगता है इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आदत होती है कि अगर सारे लोग राइट की बात कर रहे हैं तो मैंने लेफ़्ट की करनी है ये सारे लोग लेफ़्ट की बातें कर रहे हैं तो मुझे राइट की करनी है और फिर वहाँ पर आके बात ख़राब हो जाती है मेरे कहने का मकसद इस मौजू को छेड़ने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया को आप तब ही इस्तेमाल करें जब आप इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हों और सोशल मीडिया पर गुफ्तु में आप तभी इंटर हों या हिस्सा लें जब आप उस गुफ्तु का ख़ुद को अहल समझते हों आप समझते हो कि मैं इसमें बात कर सकता हूँ मुझ में सलाहियत है आप सोशल मीडिया पर लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा करें लफ्ज़ों के चुनाव से आपकी शख्सियत का पता चलता है आपकी पोस्ट से आपकी तरबियत का पता चलता है अगर आप एक ऐसी पोस्ट करेंगे जिसमें अखलाकियात का अनसर नुमाया हो तो इससे आपकी शख्सियत का पता चलेगा आपकी तरबियत का पता चलेगा आपके का पता चलेगा आपके खानदान का पता चलेगा आपके वालदेन का पता चलेगा अगर आपने कोई ऐसी गैर अखलाक पोस्ट कर दी या कोई ऐसी पोस्ट कर दी कि जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो रही हो तो इससे भी आपकी तरबियत का पता चलता है तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के वक्त ग़ा करना सोशल मीडिया के इस्तेमाल के वक्त अखलाकियात को पामाल करना सोशल मीडिया के इस्तेमाल के वक्त इधर उधर की बातें करना ये आपकी शख्सियत के लिए भी बुरा है अच्छा जी अब आप आ जाएं सोशल मीडिया पर जो लोग मुस्किल बैठते हैं उनकी जहनी कैफियत ये भी जहन में रखें किसी चीज़ को अगर अंडर कंट्रोल किया जाए उसकी लिमिट्स के अंदर किया जाए उसकी हदूद के अंदर किया जाए वो अच्छी लगती है जब आप कंट्रोल से बाहर आ जाएं हदूद से बाहर आ जाएं तजावज़ कर जाएं हद से ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल कर दें वो बुरी हो जाती है आपके चेहरे पे शिकन होगा आप मार्केट में सौदा ले रहे हैं और आप मोबाइल पे लगे हुए हैं हाँ भाई टमाटर दे दो ऐसा करो उसमें आलू भी डाल दो और उसको गालियाँ भी दे रहे हैं गालियाँ सुन भी रहे हैं इतनी कोई ज़रूरत नहीं है आप इतमान से उस वक्त इस्तेमाल करें जब आप इसकी ज़रूरत महसूस करें आप बच्चों के साथ हैं बच्चों को स्कूल लेने गए छोड़ने गए ड्राइविंग करते करते कभी कभी देखा है साइड पर रुक जाते हैं और उनका जवाब दे रहे हैं कोई ज़रूरी बात हो उसकी मैं बात नहीं कर रहा कोई ज़रूरी अमर हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा ये नॉर्मली जब हमारी आदत में शामिल हो गया कि मुझे दिन में इतने घंटे अपनी आँखों को मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाए रखना है और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है जब आप इस हद से तजावज़ करते हैं तो वो आपकी तबीयत पर असरंदाज होता है जब पूरा रास्ता आप किसी से बहस करते हुए आ रहे हैं गैर ज़रूरी बहस ना इससे आपके कारोबार का फ़ायदा है ना आपके कैरियर का कोई ताल्लुक है ना आपके माली मफादात का तहफ़ है सिर्फ गैर ज़रूरी बहस में अगर आप डेढ़ दो घंटा आ रहे हैं रास्ते में यही गुफग करते हुए फिर घर में आके जब आप चप्पल उतारेंगे तो क्या मुस्कुरा के बात करेंगे बच्चों से क्या मुस्कुरा के बात करेंगे बीवी बच्चों से क्या घर के मसाइल पर या घर की बातें अपने अपनी अम्मी अबू के साथ डाइनिंग टेबल पर या दस्तर खान पर बैठ के करेंगे आप तो ख़ुद लड़के आ रहे हैं डेढ़ घंटे से और गैर ज़रूरी तो मेरे प्यारे नौजवानों प्यारे बच्चों प्यारी बच्चियों प्यारे बुज़ुर्गों मुझ समेत हम सबको ये देखना चाहिए कि सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करना है एक बार फिर आपके सामने न्यूज़ वन की ट्रांसमिशन लेकर हाजिर है बरकत रमजान सेगमेंट्स हमारे इस तरह से होंगे हम वफ़े पे जाएंगे वापस लौटेंगे तो हमारा सेगमेंट होगा एक नेकी और एक नेकी में हम रोज़ाना खल़ खुदा की खिदमत करने वाले किसी एक इदारे के रिप्रजेंटिव या रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से लोगों की खिदमत कर रहे हैं कुछ हमारे सेगमेंट्स हैं जिसमें मेहमान ऑनलाइन है हम टेलीफोन लाइन पर किसी भी मेहमान को लेंगे उनसे गुफ्तु करेंगे वो मेहमान दीन भी हो सकते हैं प्रोफेसर भी हो सकते हैं डॉक्टर भी हो सकते हैं पोलिटिशंस भी हो सकते हैं सहाफ़ी भी हो सकते हैं एक हमारा सेगमेंट होगा एहतियात लाजिम है और ये आपने पसंद किया पहले भी ये इसलिए कि सेहत अपने जिसम और ख़ुद अपनी जो है वो हिफाज़त करने के लिए बहुत सी चीज़ों के लिए एहतियात करनी होती है बहुत सी चीज़ों की और बहुत सी चीज़ों से एहतियात करनी पड़ती है खाने पीने में चलने फिरने में दवाइयों के इस्तेमाल में ज़ा के इस्तेमाल में इसलिए इस सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है तो इसमें हमारे साथ कोई ना कोई डॉक्टर या हकीम हमारे साथ होंगे हम उनसे पूछेंगे कि आज किस मामले पर एहतियात लाजिम है आगे चलकर एक हमारा सेगमेंट है हालात हाज़रा उसमें भी हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान होंगे आपके पसंदीदा मेहमान होंगे आपके सामने आते रहेंगे वो भी टेलीफोन लाइन पर भी हो सकते हैं आ, अगर रश हुआ जैसे आज बारिश है कराची में बहुत अच्छा मौसम है इस पे ले लेंगे बुला लेंगे आपके सामने पेश करेंगे गुफ्तू करेंगे उनसे भी रमज़ान कैसे गुजारते हैं बचपन में रमज़ान कैसे गुजारी इस वक्त क्या सूरत हाल है मुल्क की क्या सूरत हाल सूरत हाल है दुनिया में क्या हो रहा है हमारे रीजन में क्या हो रहा है इस पर गुफगू करेंगे इसके बाद हमारा सेगमेंट है बज़म अकीदत और बज़म अकीदत में हमारे साथ उलमाए कराम होंगे सना खाना मुस्तफ़ा होंगे गफ्तु भी करेंगे सना खानी भी करेंगे सवाल भी करेंगे जवाब भी शर्य मसाइल पर भी गुफ्तु करेंगे और साथ साथ फिर हमारा एक सेगमेंट होगा इफ्तार मज़ेदार जिसमें इकबाल शाह हमारे साथ होंगे मज़ेदार चीज़ें रोज़ाना आपके सामने पकएँगे वो पकाएँगे हमें खिलाएँगे हम खाएँगे लेकिन इफ्तार के वक्त खाएँगे जैसे आजान होगी तो आज वो चिकन एंड पोटैटो नगेट्स बनाएंगे आपके हमारे सामने और इसके दौरान ही हम एक सेगमेंट करते हैं अल्लाह के वली जिसमें रोज़ाना हम किसी न किसी बुज़ुर्ग का तस्करा करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी उनसे हमने क्या कुछ सीखना है किस तरह से उन्होंने सरकार दो आलम सल की सीरत को अपनाया अ के वली हमारा सैगमेंट होगा फिर बज़ में अफतार सजेगी हम आप सामने अफतार करेंगे आप अपने घर पर करेंगे लेकिन फ़र्क ये होगा कि हम यहाँ से मुनाजा अफतार पेश करेंगे हमारे शनाख्वा दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे यहीं से दुआ होगी और इसी पर हम इफ्तार पर जाएंगे तो ये है हमारा पूरा बरकत रमज़ान का पूरा ये एक छोटी सी कायनात छोटा सा आलम और छोटी सी दुनिया हमने सजाई है तीस दिन आपके साथ रहेंगे मेरी हमेशा कोशिश रही है इन सत्रह सालों में कि ऐसी ट्रांसमिशन रमज़ान में पेश करें कि आपको घर बैठ कर रमज़ान का हकीक़ी लत मयसर आए सारी चीज़ें हम करेंगे मिजा भी करेंगे हदूद के अंदर मालूम भी देंगे दुनिया की मालूम भी देंगे दीन की भी देंगे अतराफ़ की भी देंगे चेंज करते रहेंगे गुफ्तु को आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको मजा आएगा आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वफे के बाद।